अपने बगान अविलंब खोलना होगा। डायमंड अंकाल चीनी बुकिंग बारी अविलंब खोलना होगा। भाजपाका केन्द्रीय मन्त्री जोन बार्ला अनि कालचिनीका विधायक विशाल लामा अलिपुरद्वारको डुवर्स कन्या प्रशासनिक भवन अगाडि बन्द चिया बगानका श्रमिकहरूसँग आज धरनामा बसे। केन्द्रीय मन्त्री जोन बार्लाले मङ्गलबार बन्द कालचिनी चिया बगानको निरीक्षण गर्नका साथै बन्द रहेको चिया बगानको विविध समस्या समाधानको लागि आज बुधबार जिल्ला अधिकारी समक्ष जाने बताएका थिए। यसैको फलस्वरूप आज केन्द्रीय मन्त्री जोन बर्ला र विधायक विशाल लामा बन्द चिया बगानका कार्यकर्ताहरूसहित अलिपुरद्वारका जिल्ला म्याजिस्ट्रेटलाई भेट्न डुवर्स कन्या पुगेपछि पुलिस प्रशासनले डुवर्स कन्या अगाडि ब्यारिकेड लगाएर तिनीहरूलाई प्रवेश गर्नमा रोक लगाए। यसपछि तिनीहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरूसित गेट अघि नै धरनामा बसे। मालिक का ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, मैनेजमेंट का ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं रहा? करोड़ रुपया यहाँ पर दुर्नीति करके बैठा हुआ है, करप्ट करके बैठा हुआ है, लूट के लेबर का पैसा लूट के बैठा हुआ है। इसीलिए हमने जनाने के लिए आया, नया डीएम है, शायद उनको जानकारी नहीं है। हम आए हैं यहाँ पर जिंदाबाद यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जनता का दुखड़ा बताने के लिए आए हैं। और उसके लिए भी हमें यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया, जल कमान लगा दिया, ये क्या है? अरे भाई, हम लोग भी जनता का प्रतिनिधि है, बैठ के एक तो टेबल में बैठ के बात करें, बात करके समस्या के साथ, एक जब तक टेबल में नहीं बैठेगा, बातचीत नहीं करेगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग तो यहाँ समस्या का समाधान करने के लिए, अरे भाई यहाँ पर जाने का व्यवस्था नहीं है, ले जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ बैठना नहीं चाह रहा है। अरे भाई, हम दुखड़ा बताने के लिए आया है, बैठे क्यों? सात बगान अलीपुर लोकसभा में सात बगान बंद हुआ है, बोनस नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, भूख से भुखमरी है, इसीलिए रास्ता में उतरना पड़ रहा है। देखिए, हमने फोन करके बैरिकेड लगाने का क्या मतलब है? बैरिकेड क्यों लगाएंगे? मतलब क्या बैरिकेड लगाने का? कितना आदमी है? 100 आदमी भी नहीं है। हम लोग एजुकेशन करने आए, जनप्रतिनिधि के हिसाब से आए भाई। यहाँ पर जितना ट्रेड यूनियन का लीडरशिप है, चाय बगान का मजदूर सब है, हम लोग आए हैं बात करके, हम लोग यहाँ समाधान करते हैं।